आपको मध्य प्रदेश के सीएम की वो तस्वीर दिखाते हैं जो पिछले 24 घंटे से सबसे ज्यादा चर्चित है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान बाढ़ पीड़ितों का हाल देखने के लिए सुरक्षा कर्मियों के हाथों में झूला झूलते पहुंचे। पन्ना में शिवराज को उनके सुरक्षा कर्मियों ने एक गहरे नाले में गोद में उठाकर गहरे नाले को पार कराया, जबकि नाले में पानी घुटने से भी कम था तो सुरक्षा कर्मी और दूसरे लोग पानी में चल रहे थे। अब ये है सवाल, क्या इसको खुद पार नहीं कर सकते थे शिवराज सिंह चौहान? शरद हमारे साथ है। शरद, मुझे ये बताइए कि वाकई ये कहें कि बाढ़ के हालात का जायजा लेने के लिए गए थे, वाकई में लोगों की समस्याओं को समझने के लिए गए थे, या दिखावा भर था? क्योंकि पानी जितना है नाले में, इसको तो आराम से पार किया जा सकता था। हाँ देखिए, बिल्कुल श्वेता, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने पूरी पहल की थी शुरुआत में, जब वो जो रीवा और सतना का इलाका है जहां सबसे ज्यादा बारिश हुई, तो इस पहल को सकारात्मक पहल के तौर पर देखा जा रहा था कि खुद मुख्यमंत्री लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों के हालचाल जान रहे हैं जो बाढ़ग्रस्त हैं। लेकिन जब ये तस्वीरें सामने आई हैं तो निश्चित ही कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जो राजनीति है वो गर्मा गई है। सीधे तौर पर कांग्रेस ने ये आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री लोगों को राहत पहुंचाने के बजाय आपदा पर्यटन की एक नई व्यवस्था शुरू कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ राजनीति चमकाने का एक तरीका है। हालांकि बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि ये जो तस्वीरें सामने आई हैं दरअसल केवल एक पहलू है। जो सुरक्षा कर्मी उनके साथ थे, उन्होंने ये मुख्यमंत्री को सलाह दी कि उन्हें खुद पार नहीं करना चाहिए, लिहाजा उन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें गोद में उठाया है। राजनीति जैसी कोई बात इस पूरे मुद्दे में नजर नहीं आती है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा कि आपने कहा कि बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा सुर्खियों में ये तस्वीर बनी हुई है, तो इस बात में बिल्कुल शक नहीं है कि वाकई में इस तस्वीर के सामने आने के बाद मध्य प्रदेश में जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको राहत। और अब देखना ये जो बीजेपी सफाई दे रही है ये कितना ज्यादा गले के नीचे उतरने वाली है। जरा एक और भी बात बताइए मुझे शरद, अभी हालात क्या है एमपी के? क्योंकि कई जगह 24 घंटे का अलर्ट दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश को लेकर, अभी क्या स्थितियां हैं और ये कहें कि व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? हाँ नहीं बिल्कुल, देखिए अगर हम अभी की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ही 11:15 बजे अपने आवास पर वरिष्ठ अधिकारी की एक बैठक बुलाई है, जिसमें खास तौर से जो बाढ़ के हालात है उन पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में खुद मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश के डीजीपी के अलावा जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो शामिल होंगे और पूरे हालात पर चर्चा करेंगे। जहां तक आपने बात की कि जो स्थितियां हैं वो कैसी हैं, तो अभी भी कई इलाकों में स्थितियां नियंत्रण से बाहर हैं और मौसम विभाग की माने तो 1-2 दिन की राहत के बाद 24 से 25 अगस्त के बीच में एक बार फिर से बुंदेलखंड और बघेलखंड का जो इलाका है वहां पर तेज से तेज बारिश हो सकती है। चलिए शरद, अपडेट लेंगे, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुश्किलों के साथ इस वक्त पानी के बीच में मध्य प्रदेश में लोग जीने को मजबूर हैं।